सिवान के जीरादेई प्रखंड के जामापुर पंचायत की रहने वाली प्रज्ञा कुमारी का चयन इंस्पायर्ड अवार्ड दिल्ली के लिए हुआ है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि आविष्कार से बड़े शहरों में रहने वाले ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। इस बात को प्रज्ञा ने आज पूरे देश में साबित कर दिया है कि चाह लेने से सब कुछ संभव है। प्रज्ञा ने मामूली संसाधनों से एक ऐसा आविष्कार कर दिखाया है जिससे सभी हैरान है। प्रज्ञा कुमारी के द्वारा सिर्फ 14 वर्ष की उम्र में ही कैप ओपनर का आविष्कार किया गया, जिसके कुछ समय बाद उनका चयन इंस्पायर्ड अवार्ड दिल्ली के लिए किया गया। प्रज्ञा आज दिल्ली में आयोजित इंस्पायर्ड अवार्ड समारोह में भाग लेने के लिए रवाना हो चुकी है। प्रज्ञा की इस उपलब्धि पर उनके परिजन बेहद खुश है। आपको बता दें कि प्रज्ञा को इंस्पायर्ड अवार्ड दिल्ली के द्वारा 1,00,000 का इनाम दिया जाएगा। इंस्पायर्ड अवार्ड भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इसे इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च कहा जाता है। यह योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। DST द्वारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया DST की एक स्वायत्त संस्था के साथ निष्पादित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 10 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों को प्रेरित करना और अध्ययन करना है। कक्षा 6 से 10वीं में योजना का उद्देश्य स्कूल बच्चों में रचनात्मकता और नवीन सोच की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और सामाजिक अनुप्रयोग में निहित 10,00,000 मूल विचारों नवचारों को लक्षित करना है। बता दें कि इस आविष्कार के बारे में पूछे जाने पर प्रज्ञा बताती है कि वो एक दिन दवा की बोतल की ढक्कन को खोल रही थी। इस बीच बोतल का ढक्कन तेजी से घूम गया और उनका हाथ भी मुड़ गया, कलाई में मोच आ गई। इस घटना के बाद ही उन्हें यह आइडिया आया कि क्यों न मैं ढक्कन खोलने का कोई औजार बनाऊं, जिससे ढक्कन भी टेढ़ा ना हो, बोतल भी खुल जाए और हाथ में भी झटका न लगे। इसके बाद वह बोतल के ढक्कन को खोलने के लिए संसाधनों का जुगाड़ करने लगी। कड़ी मशक्कत व मेहनत के बाद 1 महीने में कैप ओपनर बनकर तैयार हुआ। उसमें अलग अलग ढक्कन के आकार के ढांचा वाला कैप ओपनर बनाया है। जानकारी के लिए बता दें कि 14 वर्षीय प्रज्ञा कुमारी के पिता राजीव कुमार सिंह एक सरकारी शिक्षक है, जो राजकीय मध्य विद्यालय जमापुर उर्दू में कार्यरत है। वही माता गृहिणी है। प्रज्ञा की शिक्षा जमापुर सरकारी विद्यालयों से हुई है। वह अपने पिता के विद्यालय में ही पहली कक्षा से पढ़ते आ रही है। वर्तमान में 8वीं कक्षा की छात्रा है। वह मध्य वर्गीय परिवार से है। प्रज्ञा आगे बताती है कि कैप ओपनर बनाने का उनका सिर्फ यही मकसद था कि लोग अक्सर बोतल के ढक्कन को हाथ से या चाकू से रेत कर खोलते थे, जिससे हाथ कटने का या बोतल का ढक्कन का खराब होने का डर बना रहता था। कभी कभी हाथ में झटका भी लग जाता था। हाथ में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और बोतल का ढक्कन भी खराब ना हो, इसलिए मैंने कैप ओपनर को बनाया है। इस कैप ओपनर में अलग अलग ढक्कन के आकार का ढांचा है, जिससे ढक्कन का लॉक टूट जाता है। वहीं प्रज्ञा के शिक्षक प्रेम किशोर पांडे ने बताया है कि प्रज्ञा बहुत मेधावी छात्रा है और उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है। आगे चलकर वह साइंटिस्ट बनना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रज्ञा को सरकार से प्रोत्साहन और मदद मिलेगी तो वो आगे साइंटिस्ट बनकर पूरे सिवान और बिहार का नाम देश भर में रोशन कर सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।